नमस्कार, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की जो रेसिपी है वो है कैरमल खीर। अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल खीर होती है उसे खाकर बोर हो गए हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये कैरमल खीर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये आप गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। अगर हम खीर में कैरमलाइज शुगर डालते हैं, यानी कि चीनी को कैरमलाइज करके डालते हैं, तो कई बार खीर फटने का डर रहता है, क्योंकि दूध उससे फटने लगता है चीनी कैरमलाइज होने के बाद। ऐसा बहुत कम होता है, बट अगर हो जाए तो पूरी की पूरी खीर बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कैरमल सॉस बनाई है उसके लिए पहले। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो में दो रेसिपीज मिल रही है, कैरमल खीर की और साथ ही कैरमल सॉस की। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगी। तो आइए जल्दी से कैरमल खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पर इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। तो आइए जल्दी से ये कैरमल खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाला चावल है। ये जो बासमती की किनकी होती है वो है। आप बड़े वाला लंबे वाला चावल ना यूज करिए। अगर आप वो यूज करेंगे तो वो बाद में खीर में जो है वो घुलने में समय लगता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बासमती की किनकी का यूज करें, या फिर कोई और बारीक छोटा चावल हो तो वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 बड़े चम्मच चावल लिए हैं, यानी कि 1/4 कप प्लस 2 बड़े चम्मच। ये मैंने धोकर के अच्छे से भिगो लिया है इनको आधे घंटे के लिए, ताकि ये दूध में अच्छे तरीके से जल्दी से पक जाए। यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने, ये फुल फैट मिल्क है। आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ मैं, जिससे कि खीर का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर है 1 कप चीनी और 5 इलायची है। कैरमल के साथ इलायची का फ्लेवर ऐड करूंगी मैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिए हैं कुछ बादाम और काजू, आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो आइए खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जिससे जब हम दूध डालेंगे तो ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो पानी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 लीटर दूध, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये 6 बड़े चम्मच जो चावल भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। हम इस खीर में कोई कंडेंस मिल्क, कोई मिल्क पाउडर यूज नहीं करने वाले हैं, इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। दूध को मैंने पहले ही एक उबाल दे दिया था, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज हमें पहले दूध को बॉयल करना पड़ता, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करते। तो हम इसे पकने देंगे, जब तक ये पक रहा है तब तक हम कैरमल रेडी कर लेंगे। कैरमल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। आप चीनी अगर कम करना चाहें तो 2-3 चम्मच कम कर सकते हैं, बट कैरमल खीर में मीठा तेज ही अच्छा लगता है। चीनी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पानी, इससे कैरमल जलेगा नहीं। और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम लो कर दिया है। देखिए धीरे धीरे ये सारी चीनी पिघलने लगेगी। इसको हम एक बार हल्का सा हिला देंगे, इसे बहुत ज्यादा नहीं हिलाना हमें। देखिए बीच से आप देख पा रहे होंगे चीनी किस तरह से घुलने लगी है। अगर आप कैरमल बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन का यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ही लिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। हाई फ्लेम पर कैरमल जलने का डर रहता है। तो देखिए इसे बीच बीच में इस तरह से चला दें, आप देख सकते हैं हल्का हल्का चीनी जो है वो मेल्ट होने लगी है। देखिए जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगा मैंने इसका फ्लेम जो है बढ़ा दिया है, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। स्टार्टिंग में मैंने इसका फ्लेम जो है वो लो रखा था। तब तक चीनी मेल्ट हो रही है, मैंने यहाँ पर 1/2 कप घर की जो ताजी दूध की मलाई होती है वो ली है। तो ये 1/2 कप मलाई ले ली है मैंने। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम ले लें, इससे खीर का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है। आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है, अच्छे से बीटर की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे, कैरमल चेक करेंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और कैरमल का कलर भी आने लगा है। हमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए ताकि खीर में अच्छा सा कलर आए। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। मैंने यहाँ पर थोड़ा डीप पैन लिया है, क्योंकि मुझे इसमें क्रीम ऐड करनी है, और जब भी हम क्रीम ऐड करेंगे या मिल्क ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा उछलेगा, तो इसलिए आप हमेशा डीप पैन का यूज करें। तो मैं इसमें से थोड़ा सा कैरमल निकाल लूंगी साइड पर, ये बहुत गर्म है तो आप किसी ऐसे डिश का यूज करें जो हीट को बेयर कर पाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैरमल निकाल रही हूँ, लगभग 2-3 टेबल स्पून के करीब, बस ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर काजू बादाम डाल दिए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं हल्का कोट कर लूंगी, ताकि काजू और बादाम पर कैरमल स्टिक हो जाए। तो इनको मैं अलग निकाल दूंगी,
किसी घी लगे हुए सरफेस पर। तो ये देखिए कैरमल का कलर डार्क हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें ये क्रीम और दूध का मिक्सचर डालूंगी, बट ध्यान रखें कि बहुत ही तेजी से ऊपर उछलेगा, बहुत ही ध्यान से डालें। इसको इस तरह से व्हिस्क करते हुए हम थोड़ा मिक्सचर इसमें डालेंगे। देखिए एकदम से बबल करने लगता है ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस चला देंगे दोबारा से। आपको यहाँ पर मलाई दिख रही होगी, बट डोंट वरी, ये जब हम इसे खीर में मिलाएंगे तो कुछ भी आप फील नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से मिला लेंगे, और जब तक ये चीनी कैरमल की मेल्ट होगी तब तक हम इसको कुक करेंगे। अगर आप ये क्रीम वाला प्रोसेस या क्रीम वाला जो स्टेप है ये करेंगे तो खीर का फ्लेवर 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्रीमीनेस आ जाएगी कैरमल खीर में, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो कैरमल सॉस हमारी रेडी हो चुकी है खीर के लिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बबल कर रही है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये। गैस बंद कर देंगे, उसको साइड पर रख देंगे। तो ये देखिए खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी हद तक कुक हो चुकी है, बट अभी चावल अलग हैं और दूध अलग है। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अभी और पकने देंगे। अभी भी मैंने गैस का फ्लेम लो रखा हुआ था, 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया है। लगभग 40 मिनट्स लगेंगे इसको पकने के लिए। साइड से हम सारी जो इसकी मलाई है स्क्रेप करके खीर में मिलाते रहेंगे। खीर को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 15 मिनट के लिए और पकने देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए खीर अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल थिक हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें चावल का दाना भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें कैरमल मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी गरम गरम में कैरमल सॉस ऐड करेंगे तो कई बार खीर फटने का डर रहता है। और इलायची पाउडर भी मैं एंड में ही ऐड करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी खीर निकाल ली है, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं काफी थिक नजर आ रही है, बट जब इसमें कैरमल सॉस मिलाएंगे तो ये थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इतना ही थिक रखा है। आप अगर पतला रखना चाहते हैं तो हल्का सा पतला कर सकते हैं। तो पहले हम इसे हल्का ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। तो ये देखिए खीर थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर रेडी किया है, ये डाल देंगे। एक चम्मच चीनी के साथ 5 इलायचियों को पीस लिया था। इस स्टेज पर डालने का फायदा ये रहता है कि पूरा टेस्ट रहता है इलायची का, बिल्कुल खुशबू और टेस्ट बरकरार रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने कैरमल सॉस बनाया था, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। तो हम इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। कई लोग इसमें डायरेक्टली कैरमल बना करके डालते हैं, बट उससे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। यहाँ पर मैं 1-2 चम्मच कैरमल सॉस बचा रही हूँ इसको गार्निश करने के लिए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले कैरमल सॉस डालने के बाद तुरंत ही इसका कलर चेंज हो जाएगा और खीर से बिल्कुल कैरमल जैसी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए खीर का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो मैं अब इसे सर्व कर लूंगी। इसे सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास की डिश ली है। तो ये देखिए हम इस ग्लास की डिश में इसको पलट लेंगे। अगर आपको किसी पार्टी वगैरह के लिए इसे बनाना है तो आप पहले से बना करके इसे फ्रिज में ठंडा कर लें। टेस्ट इतना यमी लगता है कि आपको सब पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। तो इसे गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने कैरमल सॉस बचाया था इससे मैं इसको गार्निश कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इस कैरमल सॉस में आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर ऐड नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही इसे क्रीम के साथ या मलाई के साथ बना लें आप। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे डेजर्ट कप्स भी बना करके रख सकते हैं, उस तरीके से भी सर्व किया जा सकता है इसे। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इस पर ये जो हमने क्रंच बनाया था ये डाल दूंगी। और जब भी आप क्रंच बनाएं तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पहले ही रोस्ट कर लें, जिससे कि वो क्रंची रहते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। कैरमल खीर रेडी है और बहुत ही यम्मी दिख रही है। मैं इसे पूरी तरह से फ्रिज में ठंडा करने के बाद सर्व करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज। बाय बाय, टेक केयर, बाय।